अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ तुम लोग। आपकी नाराजगी मुझसे है ना, खाने से तो नहीं है, कम से कम नाश्ता तो कर लें। थोड़ा सा खा लीजिए अम्मी जान प्लीज। थोड़ी देर पहले समीन आई थी, जो जवाब मैंने उससे दिया था वही तुम्हारे लिए है। ना मैं कुछ खाऊंगी ना किसी से बात करूंगी। अगर आप इस तरह से करेंगी तो बाबा को पता चल जाएगा, फिर आप जानती हैं ना क्या होगा। अच्छा है, मैं चाहती हूं उन्हें पता चले कि किस तरह दो भाइयों का आपस में खून सफेद हुआ हुआ है और किस तरह बीवियों की सुन के सारे रिश्ते फरामोश कर रहे हैं दोनों। आप जानती तो हैं समीम को, वो आपको नीचा दिखाने के लिए इस किस्म की बातें करती है। और फराज, वो जो कह रहे हैं कि समीम का कहा हुआ एक एक हर्फ सच है, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच नाराजगी किस बात पे हुई। अब एक नया महाज खुल गया। अच्छा प्लीज थोड़ा सा तो खा लीजिए, मेरे कहने पे खा लीजिए प्लीज प्लीज। खा ले मामा, अगर आप नहीं खाएंगी ना मैं यहीं बैठा रहूंगा, ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, तुम इसे शादी से पहले नहीं जानते थे। मामा, अगर बात इतनी साफ और ब्लैक एंड व्हाइट होती ना मैं जरूर कसम खा लेता। लेकिन सच और झूठ के बीच में कुछ और भी होता है जो सच और झूठ की शक्ल बदल देता है।